हाँ तो भाई और बहनों, अरे इनके बारे में भी तो कुछ बोलो। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब इस गांव की रामलीला मंडली आपके सामने वो दृश्य पेश करने जा रही है जिसमें रावण सीता का हरण करता है। ये पत्थर किसने मारा? अरे तुझे इस उम्र में पत्थर कौन मारेगा रे? छोड़ना, छोड़ के रहता जब देखो पकड़ता रहता। अलख निरंजन, अलख निरंजन, सबका दुख करके हरण, हे बालिके भिक्षु आया है भिक्षा दे दे। अलख निरंजन। ले लीजिए महाराज। बालिके आगे बढ़कर मेरी झोली में भिक्षा डाल दे। बालिके नहीं, मैं लक्ष्मण रेखा से आगे नहीं आ सकती। इसका अर्थ ये है कि तुझे आदर से भिक्षा देना स्वीकार नहीं। ये भिक्षु का घोर अपमान है। इसके बदले मैं तुझे ऐसा शराब दूंगा कि तेरा सुहाग भस्म हो जाएगा। ऐसा मत कहिए, ये लीजिए। मुझे भिक्षा नहीं सीता चाहिए, मैं भिक्षु नहीं रावण हूँ रावण। मैं तुझे लंका ले जाऊंगा। शांत हो जाइए। आदरणीय भाई और बहनों, आज की रामलीला यही समाप्त करते हैं। तब तक आपके मनोरंजन के लिए गुलाबो भाई डांस करेगी। पहले दिल
इदं अग्ने नमः ओम भूमाय नमः स्वाहा इदं भूमाय नमः ओम बुद्धवे नमः स्वाहा इदं बुद्धवे नमः ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाये विचे नमो नमः स्वाहा सूर्या ओम जयन्ति मंगलाकाली भद्रकाली कालनी स्वाहा नमस्तुते ओम शरणागत दीनाकी परित्राण परायणम सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्ते। तुम कितने अच्छे लग रही हो। तुम भी तो इंस्पेक्टर की वर्दी में कितने अच्छे लग रहे हो। अरे मैं तो भूल ही गया, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, मुझे कुछ दोगे नहीं? तुमने मेरे लिए बनाया है? हाँ, रेत के घर जो तुम्हारे लिए बनाता था उसे तुम्हारे भाई तोड़ देते थे, पर अभी से नहीं तोड़ सकेंगे। सूर्या, तुम इस घर में रहोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं रहूंगी। अवली में रहने वाली हमारी बहन इस छोटे से मकान में रहेगी क्या? मैं सिद्धांत के इस छोटे से मकान में तो क्या झोपड़ी में भी रहूंगी। फिर तो मैं घर तोड़ ही दूंगा। मैं इंस्पेक्टर हूँ, अगर तूने घर तोड़ा तो मैं तुझे हथकड़ी लगा दूंगा। तू क्या हथकड़ी लगाएगा हमारे बेटे को? तेरी औकात ही क्या है? हवलदार का बेटा सिर्फ हवलदारी बन सकता है, समझे? इंस्पेक्टर नहीं। इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना। सूर्या
इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना, इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना, क्यों भाई मास्टर, अरे वाह वाह पार्टनर, इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी खो जाए, सारी दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया वालों से हरगिज मत डरना, इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना, ला 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 ला। क्या जीना मरना, ला 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 ला। यही वो लोग हैं जो इस इलाके में गैर कानूनी काम करते हैं। अगर 24 घंटे में ये सारे गैर कानूनी धंधे बंद नहीं हुए तो मैं, हमारा धंधा तो तेरा बाप भी बंद नहीं करवा सकता। वैसे भी तेरे जैसे यहाँ कई आए और कई चले गए, और सुन, यहाँ सिर्फ हुकूमत काले खान की चलती है, समझा? काले खान, वो बुला गया उसे। मैं? हाँ तुम, बुलाओ उस काले खान के बच्चे को। साहब जी, ये रहा हमारा इस्तीफा। काले खान के पास जाने से बेहतर है कि हम अपनी नौकरी छोड़ दें। अगर हम काले खान के पास गए तो कल से हमारी बीवी को हमारी तस्वीर पर हाथ चढ़ाना पड़ेगा। काले खान,
क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? काले खान कहाँ है? इस शहर का हर आदमी जानता है कि काले खान पक्का मुसलमान है और पांच वक्त का नमाजी इंसान, और ये वक्त नमाज का है। नमाज खत्म होते हो उसे मेरे पुलिस थाने में भेज देना। ठीक है, भेज दूंगा। लगता है इसके पीछे इसके घर में कोई रोने वाला नहीं है। तुम मुझे मेरी बस्ती में ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा था। मैं जब भी पुलिस स्टेशन में आता हूं इसी कुर्सी पे बैठता हूं और खाकी वर्दी वाला इंस्पेक्टर सामने खड़ा रहता है जहां तुम खड़े हो। कहो, क्यों याद किया? आज के बाद अगर तुम इस पुलिस स्टेशन में आए तो तुम्हारी जगह वही है। इस कुर्सी पर बैठने की जरूरत नहीं करना। ये कुर्सी हम जैसे ईमानदार पुलिस अफसरों के लिए है, तुम जैसे बेईमानों के लिए नहीं। शेर को पिंजरे में बंद देखकर तो चूहा भी उसकी मूंछों से खेलने की हिम्मत कर जाता है। अगर हिम्मत है तो आजाद शेर का मुकाबला कर। कल मैं तुम्हारे इलाके में आऊंगा जहां के तुम शेर हो, निहत्ता और बगैर वर्दी के, और कल के बाद तुम सारे काले धंधे भी छोड़ दोगे या हमेशा के लिए तुम अपनी ये वर्दी उतार दोगे। खुदा हाफिज। खान साहब, ये थाने में कौन सा नया इंस्पेक्टर आ गया है जिसने आपको ललकारने की हिम्मत की? अंडे में से नया नया निकला है ना, इसलिए जरा ज्यादा फुदक रहा है। चूहा आजाद शेर की मूंछों से खेलने आ गया। गलती कर बैठे जो शेर की गुफा में घुसा है। अब यहां से तुम्हारी लाश ही जाएगी। Come on.
आपने एक मुसलमान को बदनाम होने से बचा लिया, वरना ये दुनिया सारी जिंदगी मुझे ताने देती कि एक मुसलमान ने एक हिंदू बच्चे की अपनी औलाद की तरह परवरिश नहीं की, उसकी हिफाजत नहीं की। साहब, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। तुम चाहो तो यह एहसान अभी और इसी वक्त उतार सकते हो। अपने काले धंधे छोड़कर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लो साहब, काले खान ने अपनी जिंदगी आपके हवाले कर दी। सिद्धांत, जून के अंधेरे में कानून की रोशनी को जिंदा रखने के लिए एक ही तरीका है। अगर अपने आप को भी जलाकर उजाला करना पड़े तो करो, लेकिन जुर्म के अंधेरे को मिटा दो। मैं वादा करता हूं सर कि जुर्म और जुल्म के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाऊंगा। दैट्स गुड। अब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। ये क्या है सर? खुद ही पढ़ लो। मेरा ट्रांसफर ऑर्डर पिताजी के थाने में। सर, पिताजी मुझे इस यूनिफॉर्म में देखकर बहुत खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक माय सन, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कितना भी बड़ा हो जाए वो अपने बाप से ऊंचा नहीं हो सकता। और फिर वर्दी इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि एक बेटे को अपने बाप के पैर छूने से रोक सके। मैंने वर्दी इसलिए तो नहीं पहनी कि आपसे सलामी लेता रहूं। ये मेरा सपना तो नहीं था। लेकिन मेरा सपना तो यही था कि मेरा बेटा इंस्पेक्टर बनके मेरे ही पुलिस स्टेशन में आए, ताकि मैं वर्दी के साथ साथ अपने खून को भी सलामी दूं। मैं आपसे बहस में जीत नहीं सकता। आखिर तुम्हारा बाप हूं ना। मेरी छोटी सी प्यारी प्यारी बहन कैसी है? अरे वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमसे बहुत नाराज है। कह रही थी 2 साल हो गए भैया को अपने हाथ से राखी नहीं बांधी। मैं नहीं था तो क्या हुआ? मास्टर तो था, उसे बांध देती। लेकिन अनु है कहां? वो रघु के साथ गांव गई है। मास्टर भी साथ गया हुआ? अरे नहीं नहीं, वो यही है, सुल्तान मियां के साथ बाजार गया है। राम राम मास्टर जी, ये बैगन लीजिए भरते के लिए। आइए मास्टर जी, आइए आइए। नमस्कार मास्टर जी, ये लीजिए मटर, ये बंद गोभी। अरे भाई टमाटर अच्छे से देना मास्टर जी को। और ये रही गाजरे, ये लीजिए टमाटर। ये रहे अच्छे टमाटर, ये लीजिए मास्टर जी। कितने पैसे हुए? 14 रुपए 70 पैसे। नहीं नहीं, गलती हो गई गिनने में, 11 रुपए 70 पैसे हुए। भला मास्टर जी से कौन बेईमानी करेगा। हाँ, 11 रुपए 70 पैसे। चोर, चोर, पकड़ो पकड़ो चोर, भागो मास्टर, उसको पकड़ लो मास्टर, आवाज मारकर छोड़ दे उसे। Yeah!
अरे वाह वाह मास्टर, तुम्हें तो हमारी तरह पुलिस में होना चाहिए था। पुलिस में नहीं तो क्या हुआ, पुलिस वाले का भाई तो है। छोड़ना नहीं मास्टर, छोड़ना नहीं। लगा रे मास्टर, शाबाश। पकड़ो जरा था। ये क्या करे बाबा? अब तुम यहां नहीं, इंस्पेक्टर के क्वार्टर में रहोगे। तो ठीक है, मैं आपका भी सामान पैक कर देता हूं। नहीं, सिपाही रामचंद्र यहीं रहेगा अपने क्वार्टर में। हां, जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो बाप बनके तेरे पास रहने आ जाऊंगा। दादाजी ने आपका नाम सही रखा था, श्री रामचंद्र। समझ गया तुझे रामचंद्र जी क्यों याद आ रहे हैं। गांव की रामलीला की याद बहुत सता रही है, गांव जाना चाहता है? जी जी, मैं वहां जाकर अनु को ले आऊंगा। अरे अनु का तो बहाना है बेटा, गांव जाके सूर्या से मिलना चाहता है। पर बेटा ठाकुरों से होशियार रहना, ना उनकी दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। ठीक है बाबूजी। इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना, इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना। इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना। इज्जत से मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना। क्यों भाई मास्टर, अरे वाह वाह पार्टनर। इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना। बचपन का प्यार पुराना,
तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता, तुम मुझे राखी नहीं बांध सकती, तुम जाके राखी बांधो। भैया पहले तुम्हें राखी बांध लूं, फिर मास्टर को राखी बांधूंगी। जैसे तुम मेरे भाई हो, वैसे मास्टर भी तो मेरा भाई है ना, इसीलिए तो नहीं बंधवाना चाहता हूँ। तूने मुझे भी कुत्ता बना दिया। नहीं, कुत्ते को इंसान बना दिया। यू बदमाश, यू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, दोनों भाई मिलकर साथ में राखी बंधवाएंगे। आइए 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 छोटे जनाब। आ गए ना रास्ते पर मेरे अच्छे भैया। पुजारी जी, आरती का समय तो हो गया है, फिर क्यों नहीं आरती शुरू कर रहे हैं? गांव में नया है क्या, जानता नहीं? देवी की आरती सिर्फ ठाकुर साहब करते हैं। ए मुर्गी के, ये ठाकुर तेरा बाप लगता क्या रे? ए हिजड़े चुप हो जा। अबे हमें तो हिजड़ा बनाया भगवान ने, लेकिन तुझे हिजड़ा बनाया ठाकुर ने। तूने मुझे हिजड़ा कहा? पुजारी जी, काली माँ से कहिए कि हम आ गए हैं। ओम भद्रकाली काली कल्याणी काली भद्रकाली महारानी की जय हो, जय 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 माँ कल्याणी माँ की जय हो, काली माता की जय हो, जय 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 श्री काली कल्याणी माँ की जय हो, जय 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 माता कल्याणी माँ की जय हो, जय श्री काली श्री कल्याणी माँ की जय हो, जय जय काली सकते मंदिर में। कहा ना, जब तक ठाकुर साहब आरती खत्म करके चले नहीं जाते तुम अंदर नहीं जा सकते हो। चल हट। यह भगवान का मंदिर है, तुम्हारे ठाकुर साहब का घर नहीं। जाने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़े। परसों से इस गांव की यही रीत है। वक्त बदल चुका है। वाकई वक्त बदल गया है। हवलदार का बेटा इंस्पेक्टर बन गया है। रामचंद्र सिपाही भी बहुत जिद्दी निकला, उसने तुम्हें इंस्पेक्टर बनाकर ही छोड़ा। मेरे पिताजी जिद्दी नहीं, खुद्दार हैं। वो दूसरों की इज्जत करना जानते हैं और अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। हमें ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। तुमने इंस्पेक्टर बनकर इस गांव की इज्जत बढ़ाई है। हवेली में आकर हमसे मिल लेना। हम तुम्हारी तरक्की करवा देंगे। हमारे जीजाजी मिनिस्टर बनने वाले हैं। मैंने आज तक जो भी मांगा इसी चौखट से मांगा है, किसी और चौखट से नहीं। चल बेटा। हाय सिपाही अंदर। कौन सी मारो? पीछे वाली मारना रे। कौन सी मारो बे? इंस्पेक्टर बन गया? बिल्कुल नहीं बनना, बच्चों जैसी हरकतें हैं। इंस्पेक्टर बनने के बाद भी गड्ढे में गोली डालना फूला नहीं रे। हाय दया, हाय दया, तेरी मैया। अबे धोखा में किसने ली बे? अरे किसने ली बताओ भाई, कहाँ गई? जल्दी बताओ किसने ली, वरना मारूंगा। बताओ किसने ली मेरे धान की गोटियां। जन्म जले क्या करता है मुर्दा,
चोरी करता है हाँ? चोर लगाऊं एक निकाल गोटियां निकाल निकाल क्या कर रहा है ये तो मेरी अपनी गोली है चल मास्टर यहाँ तो चीटिंग कर रहे हैं कबड्डी खेलेंगे चलो चलना तू जाना रे तू जा जा तू जा अबे जाना अच्छा ले ना मर्द कहीं के मैं ही जाता हूँ बचना संभलना ना मर्द क्या जोरदार पकड़ है रे खेलना भी नहीं आता चुप कर हर वक्त भौंकता रहता है मेरी बीबी की तरह चाचा चाचा चाची बुला रही है अबे चाची बुला रही है चाची यानी मेरी बीबी ओ सिद्धांत मैं जा रहा हूँ मुझे तेरी भाभी बुला रही है आया जी आया जी आया जी आया जी आया कबड्डी 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 हरिओम कबड़ी 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 पकड़ ले छोड़ना मत रे कबड़ी 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 अरे पकड़ ले टांग पकड़ ले छोड़िए मत रे कबड़ी 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 अरे पकड़ ले इसको पकड़ ले कबड़ी 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 ये क्या कहाँ रह गए थे शाम का नाश्ता भी ठंडा हो गया अरे बच्चों के साथ गोलियां खेल रहा था बड़े मिल गए तो उनके साथ कबड्डी खेलने लगा टाइम कहाँ गया पता ही नहीं चला पर बड़ा मजा आया मास्टर बता मजा आया कि नहीं देखा अरे अनु अनु का वो रामलीला में सीता मैया का पाठ कर रही है वो वही गई है अरे मैं तो भूल ही गया ए सुल्तान भैया ये यहाँ क्या कर रहा है वो कह रहे थे वो आपके साथ रामलीला जाने वाले हैं लेकिन आपने आने में देर कर दी इसलिए बेचारे इंतजार करते करते सो गए देखो खाना खुद खा लेना मैं चला रामलीला मास्टर जरा सुल्तान मियां को उठाना मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं नापाक कर दिया ऊपर से मेरी इज्जत के पीछे पड़ा है अरे तुझे सुबह से कोई कुतिया नहीं मिली थी क्या अरे मेरा पजामा हट जा से अब भागता क्या नहीं तो अरे छोड़ यार क्या कर रहा है मारता तू मेरा अरे सिद्धांत समझाओ इसे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो मास्टर अरे मियां क्या हो गया छोड़ छोड़ गनीमत है अभी तक कुछ नहीं हुआ मैं तुझसे रामलीला में मिलूंगा और मास्टर तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा देख लेना अरे 7 साल की ना करवा दी तो मेरा नाम भी सुल्तान मियां नहीं तेरी तो मास्टर कम अरे नमस्ते पिताजी आइए 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 दादाजी आइए बाय बाय आइए अंदर आओ आओ आइए आइए जीजा जी आप पुलिस मिनिस्टर बनने वाले थे हाँ एक महीने में बन जाऊंगा जीजा जी अगर आप बन गए तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले मैं अपने घर से कुत्ते हटाकर पुलिस को पहरेदार पे लगा दूंगा और जितने भी बिना लाइसेंस वाले बंदूकें हैं सबके लाइसेंस बनवा लूंगा मेरी साली सूर्या कहीं नजर नहीं आ रही ओमकार देख तो सही सूर्या कहाँ है सूर्या
मुझे तुम्हारी कोई भी चीज नहीं चाहिए। ये लो तुम्हारी चूड़िया और ये झुमके, ये भी ले लो, सब ले लो और अपने पास रखो। तुम जिसके साथ नाच रहे थे ना, तुम्हें वैसी लड़की चाहिए। बेकार में मेरे जैसे सीधी साधी लड़की पर पैसे खर्च करते हो। अरे नाराज क्यों हो रही हो? एक तोहफा और भी लाया हूं तुम्हारे लिए। अन्नू के डर की वजह से उसे तरबूज में छुपाना पड़ा। हाँ सब तो उसे दिखा दिया, अब ऐसा कौन सा तोहफा है जिसे छुपाना पड़ा। अरे वो दिखाने की चीज नहीं, लगाने की चीज है, बहुत पवित्र है। उसे निकाल कर देखो। एक मिनट। मास्टर, मास्टर, चीजा जी और दीदी चले गए। भैया के साथ तू कब जाने वाली है? 3 दिन बाद। तेरे भैया तुझे कुछ बोलते हैं? वो तो बोलते ही रहते हैं। तू मुझे छोड़कर जाएगी, तुझे दुख नहीं होगा? दुख तो होगा दीदी, ये बात तो मैंने भैया से भी कह दी है। फिर क्या कहा? कहने लगे पागल मत बन। ठीक ही तो कहा उन्होंने, पागल नहीं बनना चाहिए। भैया कहीं भी जाते हैं तो आपके लिए जरूर कोई ना कोई चीज लाते हैं, आप भैया को कोई चीज क्यों नहीं देती? मैं बहुत गरीब हूँ ना। सुनिए सुनिए, सीता का पाठ करने वाली लड़की अन्नो, जहाँ कहीं भी हो फौरन स्टेज पे आ जाए। तू अब बिल्कुल सीता बन गई है, अब जा, मास्टर जी चिल्लाने लगे हैं ना। दीदी आप नहीं चलोगी? आज लंका कांड है ना, उसमें तेरे साथ राम का नहीं रावण का पाठ है, मैं बाद में आऊंगी। मुझे अकेले जाते डर लगता है दीदी, लोग कहते हैं उस तालाब के पास एक बहुत बड़ा भूत रहता है। अरे गणपत भैया इधर आना। जी सुनो, अन्नु को छोड़कर आओ। चलो गणपत भैया, पूरी रामलीला देखना, वापस मत आना। हाँ हाँ सिद्धार्थ, अन्नु कहाँ है? आ रही होगी, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। उसको मेरा बनना ही पड़ेगा।
मैं रावण हूँ रावण, सीता को मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। अनु बेटे, कब तक इस तरह आंसू बहाती रहेगी? सिद्धांत आज नहीं आएगा, बेचारे को छुट्टी नहीं मिली होगी। जब तक मैं भैया को राखी नहीं बांध लूंगी तब तक नहीं कहूंगी। ए मास्टर, तू जरा समझा इसे कुछ। अरे देख देख, तेरी तरफ कैसे हाथ बढ़ा रहा राखी बंधवाने के लिए। मास्टर,
भगवान से कहूंगी कि तुझे अगले जन्म में मेरा सचमुच का भाई बना दे। सिद्धांत, सिद्धांत तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ हुआ वही तुम उनकी बहन के साथ कर लो। इससे उनके पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। पाप और प्रायश्चित सोचकर नहीं आई हूं, बल्कि इसलिए आई हूं कि शायद इससे तुम्हें थोड़ी सी शांति मिले। अन्नू मेरी छोटी बहन जैसी थी, मैंने ही उसे गणपत के साथ भेजा था। सूर्या
चलो तुम घर जाओ। तुम्हें अन्नू की कसम सुनियो, घर जाओ। कहां से आ रही है इतनी रात को? सिद्धांत के घर से। क्या करने गई थी? गणपत के पाप का प्रायश्चित करने। उसका बिस्तर गरम करके। ऊंची हवेली और नीची झोपड़ी वालों में यही तो फर्क है। गरीब नंगे जिस्म को ढकता है और अमीर ढके जिस्म को नंगा करता है। आज सिद्धांत चाहता तो मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पिताजी, मेरी बात मानिए और गणपत भैया को पुलिस के हवाले करके इस दुश्मनी को यही खत्म कीजिए। रावण के घर में विभीषण गद्दार निकला था और तू मेरे ही घर में गद्दारी कर रही है। अपने ही भाई के गले में फांसी का फंदा देखना चाहती है तू? अन्नू भी किसी की बहन थी। कल आपकी बेटी के साथ कोई बलात्कार करे, उसे जान से मार डाले तो क्या करेंगे आप? जान से मार डालूंगा उस हरामजादे को। तो अपने हरामजादे बेटे को क्यों नहीं मारते आप? शेर का बच्चा भी अगर दो चार दिन बकरियों के साथ घूमने लगे तो दहाड़ ना छोड़कर मैं करने लगता है। ले जाओ इसे अंदर, और जब तक ये हमारी भाषा फिर से न सीख ले, इसे हवेली के बाहर कदम मत रखने देना। अन्नू के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, वो हमारी फेवर में है। गणपत के लिए वारंट निकल चुका है। मैं कमिश्नर साहब से मिलने गया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो फौरन एक्शन लेंगे। बेटा, अब जो होना है वो तो होगा ही। तू ही मेरे साथ चल बेटा। अगर हम दोनों चले गए तो यहां कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले होकर भी हम अपने आप को इंसाफ नहीं दिला सके तो फिर किस मुंह से उस कुर्सी पर बैठकर मैं लोगों से यह कहूंगा कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा? मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी है, आप जाइए, मैं बाद में आऊंगा। चलिए रामचंद्र जी, आप लोगों को जीप से हीरा नगर तक छोड़ दूं। सिद्धांत नहीं जाएगा। पिताजी, आप जाइए। गिरफ्तार हुआ? वो फरार है, इस पूरे इलाके में उसका कोई पता नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ सिद्धांत आओ। अरे चाय लेते आना। जी। आजकल हर जगह क्राइम बढ़ता जा रहा है, समझ में नहीं आता कैसे कम होगा। अगर कोई जुर्म करे उसे हम सब मिलकर सजा दें तो बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जुर्म करता है उसके माँ बाप बहन भाई दोस्त सब मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने तो उनसे इतना भी कह दिया कि पहले मैं तुम सबको सलाम करता था, मगर जब से ये केस हुआ है तुम सब मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे हो। किस किस के तलवे चाटते रहोगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि सिद्धांत के आगे हाथ जोड़ लो। उसकी हिम्मत तो देखिए, कहता है मैं अपनी बीवी और बहन को उसके बिस्तर पे लिटा दूं तो मुझे 20 बीघा जमीन देगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, लिटा के रख दूंगा साले को। अब यहां पर कथक डांस करने से क्या फायदा? वो तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आया है, आकर तुम्हारे मुंह पे थूका और थूक कर चला भी गया। और एक तुम हो कि इलेक्शन में जमानत जब्त होने के बाद भी गिड़गिड़ा रहे हो कि मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। अब
अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने कभी आपसे पूछा है कि जगतपाल जी बताइए अब मैं क्या करूं? अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है जो खुद को भी नहीं बताता कि क्या करने वाला है। तुम भी मत बताओ कि क्या करने वाले हो, मगर करो। इससे पहले कि मिर्मिनसी का तख्ता पलट जाए, करो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वापस आने पर मुझे खुशखबरी देना कि सिद्धांत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या रे मामू, चुप, अंदर कर दूंगा। वही तो मैं चाहता हूँ। कब करेगा अंदर मामू, कब करेगा अंदर मामू, मामू। देखा, वो मुझे देखकर बिल्कुल नहीं भौंका। मामू, वो तुझे अपनी जात वाला समझता है ना, इसलिए नहीं भौंका। क्या, तेरी तो डंडा मत दिखा रहे, इतना बड़ा डंडा मत दिखा मामू। साहब, क्या बात है डूबे? साहब डूबे नहीं, दूबे। साहब आपको जगतपाल साहब ने बुलाया है, गणपत के बारे में कुछ पता चला है, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए, चलो आइए। मास्टर, मास्टर, रखो। जी, क्या बात है? बांधे से ठीक है। यार, दो साले को। क्यों बहुत फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है? इतना तो तेरी बहन ने भी फड़फड़ नहीं किया था जब मैंने उसके साथ में। सब काम तुम लोग ही कर डालोगे, कुछ पुलिस वालों को भी करने दो। आखिर हमने तुम लोगों का नमक खाया है तो आप पेशाब भी पी ले। पेशाब तो मैं तुझे पिलाऊंगा। क्या कहता तूने? मेरी बहन और बीवी के साथ वही सुलूक करेगा जो गणपत ने तेरी बहन के साथ किया था? कर, 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 कर। पगार लिए बिना ही इतनी मेहनत कर रहे हो? ठाकुर साहब, आप उसकी जान की कीमत 60,000 से ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? 30,000 पहले ही ले चुके हो, बाकी रहे ये 30,000। एनकाउंटर बना के मार डालो। आप बेफिक्र रहिए, आज रात ही काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। अरे मास्टर, तू इस वक्त यहाँ यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ, बोल ना बेटा, बोल। गंगाराम, लगता है सिद्धांत किसी मुसीबत में फंस गया है। मैं अभी आया, तुम यही रहो। चल बेटा, चल।
चल ना बेटा। भाग सकता है तो भाग। चलिए मैं हॉस्पिटल ले चलता आपको। नहीं बेटा, गोली अपना काम कर गई। यहाँ पास में डीएसपी साहब का बंगला है, मुझे वहां ले चल। मरने से पहले अगर मैंने अपना बयान दे दिया तो इन हरामजादों में से कोई नहीं बचेगा। जल्दी चल बेटा, जल्दी। ठाकुर साहब मैं समझ गया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर वो अस्पताल गए तो डॉक्टर वर्मा संभाल लेंगे, और वो यहाँ आए तो मैं संभाल लूंगा। जी जी, बहुत अच्छा। ओके से हुआ। हे भगवान, एक जमाना था जब रोज जुर्म की मौत होती थी, और आज ये जमाना है कि रोज कानून की मौत हो रही है। कमिश्नर साहब, आप इसकी फौरन इंक्वायरी करवाइए, और जो भी कोई मुजरिम हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, भले मेरा बाप क्यों ना हो। है? तो फिर गिरफ्तार करो उन सबको जिसने कल रात मेरे पिताजी पर गोलियां चलाई थी। इन लोगों ने? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये सब तो मेरे साथ कल राजधानी गए थे। कल मैं मंत्री पद की शपथ लेने गया था ना, वहाँ। आपने कल शपथ ली थी, मैं आज शपथ लेता हूँ। मैं तुम सबको मिटा दूंगा। सिद्धांत। नहीं नहीं कमिश्नर साहब, बीच में मत बोलिए। ये क्या है कि बेचारा बौखला गया है, जिसकी बहन की इज्जत लूट जाए, सर से पिताजी का साया उठ जाए, वो इंसान तो बौखला ही जाएगा ना। ये भी बौखला गया है, लेकिन इतना भी मत बौखलाओ बेटे कि मेरे पॉलिटिक्स तेरी वर्दी उतरवा दे। नेताओं की पॉलिटिक्स तो दुनिया देख चुकी है, मैं तुम्हें जनता की पॉलिटिक्स दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। सिद्धांत, जानते हो ये क्या है? ये मामूली कपड़ों के टुकड़े हैं, लेकिन अगर इन तीन कपड़ों को एक साथ जोड़ा जाए तो जानते हो क्या बनता है? तिरंगा। और इस तिरंगे से प्यार करने वाले करोड़ों इंसान अपनी जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और इस तिरंगे की तरह ये वर्दी है, ये कोई मामूली वर्दी नहीं है, इसके पीछे सारे मुल्क की ताकत है। कोई भी चाहे तो इसे रौन कर नहीं जा सकता वो। और ये मामूली ट्रांसफर ऑर्डर नहीं है। जिस पुलिस स्टेशन में तुम्हें कुत्ते की तरह जलील किया गया था, उसी पुलिस स्टेशन का बाप बनाकर भेज रहा हूं मैं तुम्हें। इंस्पेक्टर सिद्धांत, स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी। सर, यस। मगर तुम अकेले वहां नहीं जाओगे, तुम्हारा एक साथी जाएगा तुम्हारे साथ, जो अकेला 100 के बराबर है।
हवलदार। काले खान तुम? जी हाँ, काले खान बगैर काले मूंछों के। साहब जी, आपने मुझे सुधार दिया, अब हम दोनों मिलकर उन सालों को सुधार देंगे। माफ करना साहब, मुंह से निकल गई। क्या है कि पुरानी आदत है ना, जाते जाते जाती है। जानी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मच, वेरी मच। आज सिपाही रामचंद्र साहब की 13वीं है। खाओ खाओ, जमकर खाओ। सूर्या आ, सूर्या तुम्हें पहले से मालूम था कि आज सिपाही रामचंद्र की 13वीं है? जरूर मालूम होगा, इसलिए तो इतनी अच्छी खीर बनाई है। जाते कहाँ हो साली जी, जरा पैर तो दबा दो, आदमी दौरे में बहुत ज्यादा थक जाता है। दबा दो दीदी, दबा दो। देखती क्या हो, दबा दो। शर्माती हो? अरे साली तो आधी घरवाली होती है। बैठ, दबा दो ना। अगली बार आऊंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। जाना, और तू भी सुन ले, जीजा जी को हमारे काम के बारे में हमेशा याद कराती रहना। हमारे जीजा जी बड़े भुलक्कड़ हैं। ऐसा ना जीजा जी भूल जाए, मेरे को फांसी लग जाए। अगर ये इसी तरह गरम गरम खीर खिलाती रही तो मैं तुम्हारे तो सारे काम कर दूंगा। तुम नहीं, आप। आप इंस्पेक्टर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ओ सिद्धांत। सिद्धांत नहीं सर, क्या सल्यूट। सल्यूट। आप जब तक कहूं नहीं बैठना नहीं। क्यों ना बैठूं? मैं भी इंस्पेक्टर हूं, कोई हवलदार नहीं। तो हवलदार तो क्या, तो जानवर से भी बदतर है। पहचान इन जख्मों को। मैं तेरे पास इंसाफ मांगने आया था और तूने मुझे ये दिया था। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं किया था। तूने तो वो किया जो एक दलाल वैश्य के साथ भी नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखना, भ्रष्टाचार की ताकत कितनी भी बढ़ जाए उसकी उम्र बहुत कम होती है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? क्या मतलब तुम्हारा? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। I'll kill you। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम पर मुकदमा दायर कर दूंगा। आजकल ज्यादातर फैसले अदालत के बाहर ही होते हैं, और ये मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें कानून के चौखट पर ही मारूंगा। सिद्धांत, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। कमिश्नर साहब के चमचे बन गए हो, इसका मतलब? मैं कमिश्नर साहब का चमचा नहीं, मगर तुम डीएसपी के कुत्ते जरूर हो जिसके सामने हड्डी फेंकी जाती है। तुमने मुझे कुत्ता कहा, मैं तुम्हें? हाँ, ये गलती मत करो जगतपाल, वरना शराब के नशे में एक अफसर पर हाथ उठाने के इल्जाम में मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। और एक बात और, 24 घंटे के अंदर गणपत को गिरफ्तार करके तुम यहां नहीं लाए तो मैं वो कर दिखाऊंगा जो मैंने कहा है। अब सिर्फ 23 घंटे
और 59 मिनट बाकी हैं। गेट आउट। इसका मतलब मेरे पिता की जिंदगी पे कफन जगतपाल ने ही नहीं बल्कि डीएसपी शीतल प्रसाद ने भी डाला है। डीएसपी शीतल प्रसाद, मैं तुझे बगैर कफन के ही दफना दूंगा। खान साहब, ये तो बताइए, इससे पहले आप कौन से पुलिस स्टेशन में थे? भैया, ये नहीं पूछा तो अच्छा है। क्यों, ऐसी क्या बात है? खामखा पतलून ढीली हो जाएगी। क्यों क्यों? यहाँ आने से पहले मैं जेल में था। है? सात खून कर चुका हूँ, आठवां तुम्हारा हो जाएगा। अगर कल तुमने वैसे नहीं किया जैसे मैं कहूंगा। खान साहब, मुझे क्या करना होगा? ये रास्ता डीएसपी साहब के घर का तो नहीं है, ये शॉर्टकट है साहब। मैंने तुमसे कहा था कि 24 घंटे में गणपत को पकड़ के मेरे पास ले आओ, लेकिन तुम खुद भाग रहे हो। खैर, अगर तुम भागना ही चाहते हो तो भागो, मैं तुम्हें उसी तरह भागा भागा कर मारूंगा जिस तरह तुम मुझे मारना चाहते थे, एनकाउंटर बना के। क्यों, ऐसी मौत पसंद है? तो फिर अपनी मौत का रंग तुम खुद ही पसंद कर लो। अगर पीला पसंद है तो तुम्हारे जिस्म का खून निचोड़ कर तुम्हें पीला कर दूंगा। अगर नीला पसंद है तो तुम्हें जहर दे देता हूं, नीले हो जाओगे। अगर लाल रंग पसंद है तो गोली मारकर तुम्हें खून से नहला दूंगा। ये डीएसपी साला प्लान बनाने गया था, उसी का प्लान बन गया। ये सिद्धांत हमारे लिए काल बन गया है, काल। तुम यहां क्यों आए हो? आपके बेटे का बैंड बजाने आए हैं। मेरे पास गणपत की गिरफ्तारी का वारंट है। गणपत घर पे नहीं है। मियाँ, ये खाकी वर्दी है, इस पे हाथ डालने वाला खाक में मिल जाता है। और साहब जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इसे थोड़ा सा नमूना दिखा दूं। गणपत! तेरा साहब किधर है? उसको बोलो मंत्री जी आए। कहिए क्या बात है? छोड़ दो दोनों को जल्दी। क्यों? क्यों क्या, हम बोल रहे हैं ना। आप कौन? अब ये मत पूछना कि गांधी जी कौन थे, नेहरू जी क्या करते थे, पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं जानता क्या? हम इस देश के मंत्री हैं। यही तो इस देश की बदकिस्मती है, वरना आप गुनेगारों को छुड़ाने यहाँ नहीं आते। अपना भाषण बंद करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है इन दोनों की खाल खींचने के लिए। अगर तूने इनके जिस्म को छुआ भी तो मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ये सरकार की दी हुई वर्दी है, आपकी रखेल की चोली नहीं। जब चीज चाहे उतार लिया। लगता है कि अब तुझे सीधा करना ही पड़ेगा। सरकार ने ये काम हमें दिया है, आज शनिवार है, सोमवार तक ये दोनों बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। लेकिन तब तक मैं उनको अंदर रहने दूंगा, तब ना।
मैं अभी जाकर उनकी जमानत करवाता हूँ। तो जल्दी भागिए, अदालत बंद हो जाएगी। बड़े मंत्री बने फिरते हैं, उस दो कौड़ी के थानेदार ने तो तुम्हें धोकर रख दिया। अब आप जले पर नमक मत छिड़किए, आप ही लोगों के कारण कुत्ते जैसी औकात हो गई है मेरी। साला पॉलिटिक्स में ऐसा कभी हो जाए कि पार्टी बदलने पर भी टिकट नहीं मिलती, किया आपकी औलादों ने और भुगत रहा हूं मैं। सर से मजिस्ट्रेट को ही उठा ले आता हूं, देखता हूं पॉलिटिक्स कैसे फेल होती है। अरे पॉलिटिक्स को मारिए गोली और मेरे बच्चों को छुड़वाओ, वरना वो हरामजादा उन्हें रात भर में पी जाएगा। ये आपके लड़के हैं कि सोडा वाटर की बोतलें हैं जो हाजमा ठीक करने के लिए पी जाएगा? अब यहीं ठहरिए, मैं बेल ऑर्डर लेके आता हूं। ठाकुर साहब, आपका बटुआ। हाँ है तो मेरा ही, लेकिन अब तुम इसे अपने पास रख लो। इस बटुए की रकम तुम्हारे काम आएगी और तुम हमारे काम आ जाना, समझे ना? ए हवलदार, इधर चल पे सलाम कर। ठीक है ठीक है, हवेली पे आते रहना, तुझे भी इंस्पेक्टर बनवा देंगे। अरे इसके बारे में भी तो कुछ सोचो, जो मैं बैल की तरह घसीट कर यहाँ लाया है। सोचना क्या है, गणपत ने जहाँ इसकी बहन का ढोल बजाया था वहीं हम इसका तबला बजा देंगे। अगर आज इनको छोड़ा तो कल इनकी जमानत हो जाएगी, फिर इस वर्दी का मजाक उड़ाया जाएगा। दुबे। जी साहब। क्या ले जा रहे हो? ठाकुर साहब के बेटों के लिए खाना है साहब। बड़े दामादों की तरह खातिरदारी की जा रही है, रखिए सर। पानी नहीं लेकर जाओगे उनके लिए? हाँ जी साहब। पानी ले आया। ले जाओ जी। दाल में काला है। जी साहब, मैं घर जा रहा हूं, जरा होशियार रहना। जी।
मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी इनको जेल से भगवाने की? मैं तो जमानत लेने गया ही था ना, अब क्या करूं इसका, आचार डालूं? मुझे डर था कि रात भर में सिद्धांत मेरे बेटों को मार ना डाले। अरे बाप का राजा क्या उसका, मंत्री हूँ मंत्री, साले की मर्जी उतरवा दूं मैं। मंत्री जी, आपके सालों की मौत का मुझे बेहद अफसोस हुआ। अरे अफसोस बेफसोस को गोली मारिए और इस साले को हथकड़ी लगाइए। क्यों, सिद्धांत ने क्या किया? सब इसी ने तो किया है। जी नहीं, जो कुछ किया है आपके बेटों ने किया, ना ही वो पुलिस लॉकअप से भागते और ना ही जंगली जानवरों का शिकार बनते। लाशें गाँव में पाई गई है, जंगली जानवर क्या जंगल छोड़कर गाँव में सैर कर रहे थे? शायद तुम्हें मालूम नहीं,
शेर के मुंह में एक बार आदमी का खून लग जाए तो आदमी की तलाश करता रहता है। शेर लाश छोड़कर नहीं जाता, खा जाता है। शायद आपके बेटों का खून गंदा लगा हो। क्या कहा तूने साले? तुम वो गलती मत करो जो तुम्हारे बेटों ने की थी। मंत्री जी, वैसे तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी पर शक हो तो मैं खुद ही इंक्वायरी करूंगा। नहीं नहीं कमिश्नर साहब, हमको किसी पर भी शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। दामाद जी, आपका दिमाग फिर गया है। कह दिया कि आपका किसी पे शक नहीं है, कैसे नहीं है? हो ना हो ये सिद्धांत की चाल है। हाँ, लेकिन वो साबित कैसे करेंगे? इन लाशों को जिंदा करवा के उनसे बयान दिलवाएंगे क्या? अब बौखला गए। देखो दुश्मन अगर चालाक हो तो अपनी अकल की ताकत मत लगाओ, बुद्धू बन जाओ, जैसे मैं बन गया था। बुद्धू बन जाओ, बुद्धू बन जाओ। पिताजी, तू बाहर क्यों आया? तू कहाँ जाऊं? अरे गुर्जर के छेद में, वो पुलिस वाला ज्यादा दूर नहीं गया। तुझे देख लिया तो तेरी लाश यहीं पड़ी होगी, और तुझे मारने के लिए तो उसे कोई पैतरा भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। चल जा। दामाद जी कुछ तो करिए, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स? अभी पॉलिटिक्स करता हूं। अरे लाओ भाई, ऑपोजिट पार्टी को सामने लाओ। दामाद जी किससे बात कर रहे हैं आप? विरोधी दल ससुर जी, जब से सरकार ने दल बदलने पर प्रतिबंध लगाया पॉलिटिक्स में मजा ही नहीं रहा। अरे कहां में गए ससुर के नाती, लाओ। क्यों बे छक्के, जंगली जानवर का राज तो तूने बता ही दिया। तू तो पहले भी किसी काम का नहीं था, अब तो साले तू हमारे काम का भी नहीं रहा, इसलिए पॉलिटिक्स से तेरा टिकट कैंसिल। मेरा टिकट तो तू कैंसिल कर ले, लेकिन ये हिजड़े की बद्दुआ है, तू कुत्ते की मौत मरेगा। कुत्ते, तेरी औलाद भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। मेरी तो औलाद ही नहीं है। बद्दुआ देता है तेरा टिकट कैंसिल। मास्टर, अरे कहां लेके जा रहा है यार? ठाकुर के ढकनो, शेर का शिकार, और वो भी लाठियों से। अरे नाम अल्लाह का। खबीस की औलाद ऐसे टूट के जैसे मिट्टी का बर्तन टूटता है। क्यों लाया मास्टर? यहां तो कुछ भी नहीं है। चल 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 मास्टर। मास्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। Thank you.
मुलजिम सिद्धांत वल्द मरहूम रामचंद्र, यह अदालत तुम्हें सिपाही काले खान और किशनलाल के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाती है। कहाँ जा रही है तू? भगवान के लिए मुझे एक बार सिद्धांत से मिल लेने दीजिए। इसे कहते हैं कलियुगी औलाद। वो हरामजादा तेरे दो दो भाइयों को निगल गया और तू तू उसके गले में जयमाला डालने के लिए तड़प रही है। हाँ ठहरिए ससुर जी, भाई काम चाहे पार्लियामेंट का हो या सेंटिमेंट को कायदे से होना चाहिए। सूर्या तुझे सिद्धांत से मिलना है ना, चल मैं मिलवा देता हूँ। बचपन के दोस्त है ना दोनों, अब एक बार मिल लेंगी तो क्या जाएगा आपका। लेकिन दामाद जी ना दुश्मन है यही ना, लेकिन मैं तो हूँ ना। आप घर पे जाइए, मैं इसको सिद्धांत से मिलवाकर पूजा में ले आता हूँ। हाँ अब जाइए जाइए, चल 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 बाबा चल। या सूर्या सूर्या, सिद्धांत में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? जिस्म से तंदुरुस्त हूँ और तुम्हारी बहन ने मेरे कामकाज के बारे में कुछ बताया नहीं क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा चलो भाई बातें बंद, काम शुरू करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई आगे देखो, बड़े बदतमीज हो यार। ये क्या कर रहे हैं? मास्टर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर दया कीजिए। फिर वही पॉलिटिक्स, हम नेता लोग तो जनता पर हमेशा दया करते हैं, कभी जनता भी हमारी पर दया कर दे तो उठापटक न करनी पड़े ना।
चल भाई कपड़े उतार, मीटिंग में जाना है, चल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। तू एक बार मेरा कहा मान ले, मैं तुझे बीवी की उम्र की बना दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना कमीना निकलेगा। अब मालूम पड़ गया ना, चल डिस्को डांडिया खेलते हैं। कितने में तीर तलवार चला ले। मारती है आज Oh,
कर रही है आपकी पुलिस फोर्स। एक आदमी जेल से फरार हो जाता है और देश के जाने माने मंत्री का दिन दाड़े कट कर देता है और आप और आपकी पुलिस फोर्स हाथ में हाथ धरे बैठी रहती है। सर, मुझे आप एक मौका मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सिद्धांत को फौरन गिरफ्तार कीजिए। तेरा संदेशा
फंसा तूने जो जाल बिछाया है। अब माता के मंदिर में तुझे यमदूत पकड़ के लाया है। इंसान नहीं शैतान है तू, शैतान नहीं हैवान है तू, हैवान से भी तू बदतर है। मैं शीशा हूँ तू पत्थर है। शीशे में पत्थर है।